Okay. Good morning, all my dear friends. Now, today we will continue our class and the continued chapter, Origin and Evolution of Life. As you know very well, what is our main objective? To understand this chapter. Before this, कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जैसे कि आप लोगों को पता है कल ही अनाउंस हुआ गवर्नमेंट के तरफ से 25% सिलेबस, और कौन सा डिलीट हुआ है पोर्शन, ये सिर्फ ड्यू टू COVID-19 इसी साल के लिए है 2020-21। एंड जिस बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ, या अपना जो ऑफलाइन भी था, जो मेरे सभी डियर स्टूडेंट है, इनमें ऐसे कुछ है जो मेडिकल एस्पिरेंट है, दैट इज प्री मेडिकल एस्पिरेंट, और स्टेट बोर्ड वाले भी हैं जो सिर्फ स्टेट बोर्ड रन करना चाहते हैं, और ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों को भी फोकस कर रहे हैं, प्री मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट हो गया, उनका एम्स भी रहेगा, चिपमेर भी रहेगा, ये जितने भी प्री मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो आप लोगों को पता है उसको आप फोकस करोगे। हमारा बिफोर लॉकडाउन कुछ प्लान अलग थे एंड नाउअडेज प्लान चेंज हो गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू सिचुएशन। बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर रह सकते हैं, उसका एक अलग सेशन में लूंगा, ठीक है, कैसा क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने थोड़ा बहुत सिलेबस देखा हुआ मेरे सब्जेक्ट का, बायोलॉजी का, और इसमें बच्चों को किस प्रकार से रन होना है उसका भी एक, जैसे मैंने बताया, स्पेशल सेशन लूंगा। ये जो सिलेबस अगर आप थोड़ा सा देखोगे, आपके सबके पास PDF उसका आया है, आप लोगों का भी प्राइम इम्पोर्टेंस ये है आज जैसे दिन भर का, जैसे डेली आपका जो भी फ्री टाइम रहता है, या कल से ये GR आया है रिगार्डिंग सिलेबस स्टेट गवर्नमेंट का, तो नीट वाले एंड देन आफ्टर JEE वाले दोनों को भी मीन्स ऐसे स्टूडेंट जो स्टेट बोर्ड के साथ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो पहले तो अभी सिलेबस देखिए, सिलेबस प्रॉपरली समझ लीजिए, ऑलरेडी जो डिलीट हुआ है आपके बैच के लिए, तो उसको ज़्यादा वैल्यू देने की जरूरत, ज़्यादा क्या वैल्यू नहीं देना है उसको, और जितना सिलेबस हमको है उस हिसाब से ही हमको रन होना है। बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि ड्यू टू दिस कोरोना एवरी सेक्टर्स ऑफ वर्ल्ड इन इंडिया आल्सो इन्फ्लुएंस, इकोनॉमी पूरा ये हो गया है, बहुत सारी चीजें हो गई है, बट अगर मैं आपके तरफ देखता हूँ, या अगर आप खुद अपने तरफ सोचे एज ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट फेज में हो, तो आपको उतना कोई इशू नहीं हुआ है, भले ही थोड़ा सा क्लास का वगैरह प्रॉब्लम है, बट मेरे ख्याल से आपके अभी ये जो इशू था ये क्लियर हो गया है। कुछ भी प्रॉब्लम है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, या जो हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है, या आपको एक दो दिन में गुड न्यूज़ भी एक मिलेंगी हमारे इंस्टीट्यूशन के तरफ से कि हम लोगों ने कुछ अच्छा एक नया प्लान इंस्टॉल किए है। 3 महीने से हम वही कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, ना हम गवर्नमेंट के साथ झगड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, बट विथ रिस्पेक्ट टू दिस सिचुएशन, इस फालतू चीज़ों की तरफ ध्यान देने से अच्छा है हमारे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसका एक प्लान हम लोगों ने तैयार कर चुके हैं जो आपको कल या परसों में पता चल जाएगा, जिसमें आपकी स्टडी और ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएंगी। बट रिगार्डिंग यूअर सेल्फ, आप लोगों को समझना क्या है, किस प्रकार से प्लान करना है, कितना टाइम पीरियड आपके पास है, पहली बात ये समझ लीजिए। आपको किसी भी चीज का मीन्स फियर नहीं होना चाहिए कि सिलेबस हमारा थोड़ा सा अभी डिले हो गया है, यस ये एग्रीड चीज है, या इसके बावजूद एग्जाम कब होंगे, एग्जाम टाइम पे होंगे या नहीं होंगे, ये गवर्नमेंट को पता है कि बच्चा किस हिसाब से रन हो रहा है, किस चीजों को वो फेस कर रहा है। तो मैं आपको 110% एश्योर करना चाहता हूँ कि आपका स्टेट बोर्ड का पेपर रहने दो या किसी भी प्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहने दीजिए, आप प्री मेडिकल रहने दीजिए, प्री इंजीनियरिंग रहने दीजिए, सबका पेपर पैटर्न इस बार इजी निकलेगा।
क्योंकि उनको बच्चों को लोड देना नहीं है, ऑलरेडी गवर्नमेंट पूरा हरेश हो गई है, तो चीजें कैसे स्मूथली चले ये उनका ऑब्जेक्टिव रहेगा। बट इसका आपको क्या बेनिफिट लेना है, मैं आपको एक ह्यूमन नेचर बताता हूँ, एक मेंटेलिटी बताता हूँ। होता क्या है, डर जो है ना आदमी को और ज्यादा खोखला करता है, रहता कुछ भी नहीं। और आज की डेट में हमारे देश में वही चल रहा, कोरोना वगैरह कुछ इतना भारी नहीं है, है भारी बट वो डिपेंड करता है एनवायरमेंट, समझ लीजिए। हम वही चैप्टर ही पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन का। जैसे आप देखोगे मोर्टेलिटी रेट कहाँ का ज्यादा है, जैसे हमारे महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई पुणे इस एरिया में ज्यादा है, वहां पे सिम्टोमेटिक कोरोना है जो फैटल भी है, जिससे डेथ भी हो रही है, बट वहां पे भी उतना डेथ नहीं हो रहा है। और हमारे तरफ अगर हम देखें तो हमारे तरफ तो है च नहीं, एक जन वो उसकी भी डेथ हो गई सिरोंचा का, बट वो रीजन दूसरा है, कोरोना का रीजन नहीं है, बट कोरोना की वजह से नहीं है। और हमारे तरफ जो कोरोना निकले वो तो एक ट्रांसपोर्ट वाले है और वो असिम्टोमेटिक है, तो इसमें कहीं ना कहीं एनवायरमेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ऐसा जो डर की हम बात कर रहे हैं, इसके वजह से मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है, देखो अगर कुछ हमको देखो ऐसा रहता, हम लेजी है, अगर हमको कुछ करना नहीं है ना तो रीजन बहुत सारे हैं, बट करने वाले को रीजन ही नहीं रहते हैं। तो आप अगर पूरे ये रीजन छोड़ देते हो और जो सिलेबस कम हुआ है उसके रिगार्डिंग अपना डायरेक्शन बनाना, उसके रिगार्डिंग मेरा प्लान बनाना, हार्ड स्टडी करना, घर में ही रहना है, और साल निकलते जाएंगे, दिन निकलते जाएंगे, बट जब हमारे डेस्टिनेशन को अचीव करने का टाइम आएगा तो आप फ्रंट स्टेप पे रहोगे, फ्रंट फुट पे रहोगे, क्योंकि आपने जिस टाइम पे दुनिया या आपके कॉम्पिटिटर्स ये सोच रहे थे कि कैसा करेंगे क्या करेंगे, उस टाइम पे आपने हार्ड वर्क किया, अभी उसमें आपको स्मार्ट वर्क करना है। मैंने जब आपके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ आफ्टर 3 मंथ थ्रू जूम मीटिंग, तो उसी टाइम पे मैंने आपको बोला था कि आपका मेन रोल है आपके डेस्टिनेशन तक आपको ही अचीव करने के लिए, समझ में आया। और जिसको प्रॉब्लम आता है वो तो प्रॉब्लम अपने आप बराबर सॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज सिलेबस का सेशन में अलग से लूंगा कि बायोलॉजी को किस प्रकार से रन करेंगे, पहले हमारा जो चैप्टर है जो हम कंटिन्यू कर रहे थे उसको हम, दैट इज आज जो हमारा टॉपिक है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, उसके बारे में ये पूरा आज नहीं होगा, कुछ लेवल तक पार्ट होगा, बट वो भी हमको अच्छे से करना है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, हमने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर कुछ समझ सकते हो एक 10 दिन पहले से हम चालू कर चुके हैं। अभी तक अगर हम इसको कंक्लूड करें तो जैसे कि उनके 3 पार्ट हम लोगों ने तैयार किए थे, पहला है अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, दूसरा है ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, और तीसरा है ह्यूमन इवोल्यूशन। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमको मिल चुका है, ओरिजिन ऑफ अर्थ, जिसके लिए एक ही थ्योरी है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, लेमेत्रे की बिग बैंग थ्योरी, समझ में आया। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी लाइफ कैसे तैयार हुई होंगी, प्रीबायोटिक एटमॉस्फेयर कैसे था, बायोटिक एटमॉस्फेयर अभी जो प्रेजेंट डे एटमॉस्फेयर है वो कैसा है। ये थ्रू आउट जो है हमने एक थ्योरी में पढ़े, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, और ये वाइडली एक्सेप्टेड है, उसके लिए हम एक एविडेंस सपोर्ट एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़े, दैट इज मिलर एंड पूरे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये थ्रू आउट हो जाने के बाद हम लोगों ने मीन्स ओरिजिन ऑफ लाइफ अभी भी इसी क्वेश्चन के ऊपर लटके हुए है। अभी पहली लाइफ कैसे तैयार हुई, फर्स्ट लाइफ कैसे तैयार हुई, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे था, ये जो थ्रू आउट है ये हमने केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में पढ़े, बट कॉम्प्लेक्स लाइफ फर्स्ट लाइफ से कैसे तैयार हुई, हाउ द कॉम्प्लेक्स लाइफ डिसेंड फ्रॉम द सिंपल वन, री एग्जिस्टिंग सिंपल लाइफ, उसके लिए ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ये टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में 4 थ्योरी है, जिसमें पहला है लैमार्किज्म, दूसरा है डार्विन, तीसरा है म्यूटेशन, और फोर्थ है जो आज हम स्टडी करेंगे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। अभी इसमें से देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ क्लियर बताया हूं कि 4 में से 2 एक्सेप्टेड है, जिसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन आना है, उसमें पहला है डार्विन और दूसरा है
मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, क्योंकि डार्विन बताता है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इवोल्यूशन क्या है, इसके लिए एक नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी देके डार्विन ने बताया कि इस प्रकार से इवोल्यूशन होता है। मीन्स सिंपल इसको अगर दिमाग में डालना है तो हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड, हर ईयर, एवरी टाइम एनवायरमेंट चेंज होते हैं, उसके पैरामीटर्स चेंज होते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू दैट चेंजिंग एनवायरमेंटल पैरामीटर्स, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रिंग अबाउट बॉडीली मॉडिफिकेशन एंड दैट इज कॉल्ड इवॉल्व स्पीसीज एंड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज इवोल्यूशन। और ये एक्सप्लेन करने के लिए 5 postulate भी हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं प्रॉपरली, बट सबसे बड़े ड्रॉबैक्स, और उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक, व्हाट इज द कॉज ऑफ इवोल्यूशन, हाउ द इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन टेक्स प्लेस। आंसर टू दिस क्वेश्चन, मेनी साइंटिस्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड दे परफॉर्म देयर एक्सपेरिमेंट, दे गेव देयर आइडियाज, दे गेव देयर हाइपोथेसिस। आउट ऑफ दैट जो वन थ्योरी है जो हमने पढ़े वो है म्यूटेशन थ्योरी। अभी सर आपने बोले बहुत सारे साइंटिस्ट, उसमें सिर्फ ह्यूगो डेविस को ही क्यों कंसिडर किए हैं, क्योंकि ह्यूगो डेविस ने जो म्यूटेशन थ्योरी दिया है ये भले ही उनकी डिस्प्रूव हुई, क्योंकि उनका एक्सप्लेनेशन जो था, बताने का तरीका वो गलत था। उन्होंने बोला कि म्यूटेशन फास्ट सडन होता है, उन्होंने बोला कि सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पेसीज जो है उसमें रिप्रोडक्शन हो जाने के बाद उसके जो ऑस्प्रिंग तैयार होते हैं वो ऑस्प्रिंग यानी इवॉल्व्ड स्पेसीज है, यानी वो इवोल्यूशन हो गया। यानी इसका मतलब मैं मेरे मम्मी पापा से तैयार हुआ तो मैं इवॉल्व्ड स्पेसीज हूं क्या? ये तो फास्ट प्रोसेस हो गई। मेरे से मेरी दो बेटियां है वो इवॉल्व्ड स्पेसीज है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। इट इज ड्यू टू द क्रोमोसोमल एबरेशन, ये क्रोमोसोमल एबरेशन के वजह से है, और क्रोमोसोमल एबरेशन को लिटिल सिग्निफिकेंस है, आप बोल सकते हो सिग्निफिकेंस उतना नहीं है इवोल्यूशन के लिए। बट इसके बावजूद अगर उसका दूसरा साइड हम देखते हैं तो यस, म्यूटेशन ये कुछ हद तक इवोल्यूशन के लिए कॉज है, बट सिर्फ म्यूटेशन ही ऐसा नहीं है। म्यूटेशन अगर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है और वेरिएशन आते हैं तो वो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन का कॉज है, बट ये ह्यूगो डेविस ने नहीं बताया, इसलिए ये थ्योरी डिस्प्रूव हो गई। सो आज जो अभी फोर्थ थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं वो है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। अभी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या है मैं आपको स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा अभी, ठीक है। ओके देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने पीडीएफ ही रखा हूं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जिसको नियो डार्विनिज्म बोलते हैं, क्योंकि ये जो पूरी थ्योरी है ये डार्विन के सपोर्ट में बनी है। मींस कैसे? डार्विन साहब ने जो चीजें नहीं बताए, मींस उसके ड्रॉबैक एंड ऑब्जेक्शन, उसको ओवररूल करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड दे गिव एक्सप्लेनेशन अंडर वन हेडिंग दैट इज कॉल्ड मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड कॉमनली कॉल्ड एस। ये जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, क्योंकि ये डार्विन के सपोर्ट में है तो इसको नियो डार्विनिज्म भी बोलते हैं, ये पॉपुलर नेम है इसका। अभी देखिए ये जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू सम ब्रांचेस लाइक जेनेटिकल, इकोलॉजिकल, एनाटॉमिकल मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर, जियोग्राफिकल, पैलेंटोलॉजिकल मीन्स फॉसिल्स रिकॉर्ड। ये सभी को ध्यान में रखते हुए इवोल्यूशन का मैकेनिज्म कैसे होता है ये इस थ्योरी में इंक्लूड किया गया है। मैं आपको बता दूं ये थ्योरी के मेन जो आर्किटेक्चर है वो है टी डॉग्सहैंस्कार, सी दिस वन। आपके स्क्रीन के ऊपर मैं कर्सर से कुछ कर रहा हूं,
हाईलाइट कर रहा हूं उस चीज को, टी डॉब्जांस का है, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पेसीज एंड जेनेटिक्स, समझ लीजिए जेनेटिक्स ऑलरेडी मेंडल साहब ने तैयार किया था, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज डार्विन साहब ने तैयार किया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन उनका स्टडी करके टी डॉब्जांस का इन्होंने एक बुक तैयार किया ओरिजिन ऑफ स्पेसीज एंड जेनेटिक्स, जिसके आधार से इस थ्योरी का मेन स्केलेटन बनाया गया है। बट इसके बावजूद ऐसे मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट है जिनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें आर फिशर, जेबीएस हाल्डेन, इन इनमें से मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट का नाम आपने सुना होगा, टी डॉब्जांस का, आफ्टर दैट जे हक्सली, देन ऑन्समेयर, सिम्पसन, स्टेबिन्स, फिशर, सिवल राइट, मेंडेल, टीएच मॉर्गन, उस साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे आया है, आर फिशर, जेबीएस हाल्डेन, टी डॉब्जांस का, हक्सली, मेयर, सिम्पसन, स्टेबिन, फिशर, सिवल राइट, मेंडेल एंड मॉर्गन, ये सभी कॉन्ट्रीब्यूटर्स है फॉर द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। ये सभी साइंटिस्ट का नाम दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है माय डियर। जैसे कि मैंने आपको बताया टी डॉब्जांस का, इसका थोड़ा सा मेन जो चेक पॉइंट्स है वो आप दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बुक तैयार किया, इन्होंने खुद लिखा नहीं, उन्होंने दो बुक है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज डार्विन की और जेनेटिक्स मेंडेल का, उनके ऊपर स्टडी किया और उनका रिलेशन तैयार किया, मींस कैसे कि उनका प्राइम ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्टिव क्या था, इवोल्यूशन क्या है ये तो ऑलरेडी डार्विन साहब ने बताया, बट इवोल्यूशन का कॉज क्या है ये पता करने के लिए उन्होंने ये दोनों बुक को टुगेदर कंबाइन किया और एक नाम दिया ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एंड जेनेटिक्स। इसमें से मैं आपको बता दूं, जो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है स्टेबिन, इन्होंने इस थ्योरी को बनाने के लिए 5 की फैक्टर दिए, वो जो हम सामने पढ़ेंगे, जैसे जीन म्यूटेशन, यानी इन्होंने कहीं ना कहीं बताया ये कॉज है इवोल्यूशन के, जीन म्यूटेशन, म्यूटेशंस इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड नंबर, मींस जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोम म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। सी आई हाईलाइट, देखिए स्टेबिन हु गेव की फैक्टर फॉर द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, योर आंसर शुड बी स्टेबिन्स, विच आर दे, दिस 5 की फैक्टर्स आर, फर्स्ट वन जीन म्यूटेशन, देन म्यूटेशन इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड नंबर, मींस क्रोमोसोम म्यूटेशन, देन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, देन नेचुरल सिलेक्शन एंड फर्स्ट फिफ्थ वन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, सो दैट दिस 5 आर द की फैक्टर फॉर द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पेसिस, ये स्टेबिन ने बताया, ये भी एक इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है। लेटर ऑन देखिए मेंडेल ने अपने जेनेटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म दिए हैं जो आपको ये थ्योरी पढ़ने के पहले समझना बहुत जरूरी है। वो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है देखिए, जैसे कि जेनेटिक्स में मेंडेल साहब की अगर हम थ्योरी पढ़ेंगे तो उन्होंने कुछ टर्म का यूज किया है, जैसे मेंडेलियन पॉपुलेशन, यानी व्हाट इज मीन बाय पॉपुलेशन, उसके बाद है जीन पूल, उसके बाद है जीन फ्रीक्वेंसी, ऐसे कुछ 3 टर्म्स आपको समझना चाहिए। ये 3 पैरा में अलग अलग 3 टर्म एक्सप्लेन किए गए हैं, जैसे पहला पैरा है मेंडेलियन पॉपुलेशन, उसके बाद जीन पूल है, उसके बाद जीन फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय मेंडेलियन पॉपुलेशन, मैं तो वैसे इसको एक्सप्लेन करूंगा बट यू कैन रीड वॉट एवर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, ये दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि व्हाट इज मीन बाय मेंडेलियन पॉपुलेशन, मैं अपने हिसाब से इसको डिफाइन कर रहा हूं। देखिए द क्लोजली रिलेटेड इंटरब्रीडिंग स्पेसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया दैट इज कॉल्ड एज मेंडेलियन पॉपुलेशन। अभी देखिए इसको मेंडेलियन ये टर्म क्यों लगाए गए हैं, क्योंकि मेंडेल ने पॉपुलेशन की डेफिनेशन की है, यानी उनको क्या बताना है कि एक पॉपुलेशन यानी क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में, आप एरिया दिमाग में इमेजिन कीजिए, उसमें सम स्पेसिस के जो इंडिविजुअल्स रहते हैं दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन,
ये पहला। बट इसको और प्रॉपरली इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो भी इंडिविजुअल है वो क्लोजली रिलेटेड एंड उनमें नेचुरल इंटरब्रीडिंग होना चाहिए। बहुत जनों को ये समझेगा नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, 10x10 का एरिया है, मींस 100 square foot, इमेजिन कीजिए। उस 100 square foot में एक स्पेसीज रहता है, ठीक है। अभी वो जो स्पेसीज है उसका मेल उसके ही फीमेल के साथ स्ट्रॉन्ग रिप्रोडक्शन होगा ना उनमें, तो वो हो गया मेंडेलियन पॉपुलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 square foot में एक अपार्टमेंट तैयार किया है, स्मॉल पॉपुलेशन का एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको समझने के लिए, 10,000 square foot में, 10,000 square foot में एक अपार्टमेंट है जिसमें 15 फैमिली रहते हैं, 15 फ्लैट्स हैं। अभी वो 15 फैमिली जो है टुगेदर, अगर हर एक इंडिविजुअल का हम नंबर काउंट करेंगे या एक फैमिली में चलो 5 लोग पकड़ते हैं तो 75% का एक पॉपुलेशन बना है, स्मॉल पॉपुलेशन 10,000 square foot में। तो उसको हम पॉपुलेशन कब बोलेंगे कि जब वो जितने भी 75% है उनमें इंटरब्रीडिंग पॉसिबल है, तो ही उसको आप पॉपुलेशन बोलेंगे। इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया, देखिए, द पॉपुलेशन ऑकर इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, सच अ स्मॉल इंटरब्रीडिंग ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज रिफर्ड एज मेंडेलियन पॉपुलेशन। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस एनालिसिस करते हैं तो मेंडेल ने जब पॉपुलेशन की डेफिनेशन दी तो उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पेसीज को ही कंसिडर किया। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है ना, पूछेंगे भी बच्चे मुझे कि सर आप बोल रहे हो कि सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग इंटरब्रीडिंग यानी क्या। इंटरब्रीडिंग का मतलब बताता हूँ, मेटिंग होना मेल एंड फीमेल में, यानी वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उसको आप इंटरब्रीडिंग बोलोगे, बिटवीन द टू स्पेसीज ब्रीडिंग होना यानी इंटरब्रीडिंग। तो सर ये तो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पेसीज के लिए हो गया, व्हाट अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पेसीज। तो ये मेंडेलियन पॉपुलेशन का एक ड्रॉबैक है, मीन्स मेंडेल ने सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पेसीज के लिए ही पॉपुलेशन का डेफिनेशन दिया है, ये मेंडेल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मेंडेल ने असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पेसीज यानी जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते, जैसे बैक्टीरिया कहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एक बैक्टीरिया से 10 बैक्टीरिया हो रहे हैं बाय मीन्स ऑफ बाइनरी फिशन, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोड्यूशन हो गया क्या? नहीं हुआ ना, तो फिर उसको पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे क्या? बोलेंगे। तो ये ड्रॉबैक है, हमने डाइवर्सिटी में पढ़े हैं जो बच्चे आप लोगों को पता है। तो इस प्रकार से ये मेंडेलियन पॉपुलेशन की डेफिनेशन हो गई और इन्होंने सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पेसीज के लिए ये डेफिनेशन दी है। इनका ड्रॉबैक है मेंडेल साहब का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्होंने नहीं बताया। After that, gene pool. What is mean by gene pool? समझ लीजिए। Gene pool means the sum total number of gene present in a population. एक शब्दात। The sum total number of gene present in a population that is called as gene pool. Same example, 10,000 square feet, 75 people, 15 family, and जितने भी उनके जीन है उनके बॉडी में पूरे 75% में वो पॉपुलेशन हो गया ना मैं, तो पॉपुलेशन में जितने भी पीपल में पर्टिकुलर जीन्स है उनका टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट या जेनेटिक इंफॉर्मेशन या सम टोटल ऑफ जीन उस पॉपुलेशन के, उसको हम बोलते हैं जीन पूल। उसको क्या बोलते हैं? जीन पूल। समझ में आया? देन आफ्टर नेक्स्ट वन उन्होंने बताया, ओके, फोर टर्म दिया है, माइग्रेशन, ठीक है। अभी माइग्रेशन आपको पता है कि पॉपुलेशन में माइग्रेशन होता है, समझ लीजिए ध्यान से। जैसे दो पॉपुलेशन लेते हैं हम, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट एंड चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, तो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट एंड चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ये दो पॉपुलेशन लिए, तो अगर गढ़चिरौली से कोई चंद्रपुर रहने के लिए जा रहा है तो वो क्या हो गया? माइग्रेशन हो गया ना। या चंद्रपुर से कोई गढ़चिरौली आ रहा है तो वो माइग्रेशन हो गया। थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक फैमिली है इंडिया की, वो अमेरिका में जाके सेटल हो रही है,
तो इंडिया से वो फैमिली गई अमेरिका में, या एक आध पर्सन गया अमेरिका में, तो वो माइग्रेशन हो गया। तो सर ये बताने का इंटेंशन क्या है, अभी ये आपको मैं बताता हूं। एक्चुअली इंडिया से अमेरिका माइग्रेशन हो रहा है, तो पूरे जैसे 5 लोग गए इंडिया से अमेरिका, तो आप मुझे बात बताइए, इंडिया में 130 करोड़ जनता हम बोलते हैं, उसमें से 5 जन तो माइनस हो गए, 5 जन माइनस हो गए। अभी 5 जन गए यहाँ पे, इसका मतलब वो अपने जीन भी लेके जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं जीन पूल अल्टर हो रहा है या नहीं, अल्टर मीन्स चेंज हो रहा है या नहीं, बिल्कुल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा देश एक मेंडेलियन पॉपुलेशन है, ठीक है, हम देश को लेके चलते हैं, उस देश में जितनी भी 130 करोड़ जनता है भाइयों और बहनों, वो 130 करोड़ जनता में जितने भी टोटल नंबर ऑफ जीन है उसका सम यानी हो गया जीन पूल। ला जीन पूल समझ ला। अभी तीसरा है माइग्रेशन, जैसे मैं बता रहा हूं, भारत से अमेरिका, अमेरिका से भारत, यानी भारत से अब्रॉड, अब्रॉड से भारत, आने और जाने वाले बहुत लोग रहते हैं, ये जो आना जाना है इसको हम माइग्रेशन बोलेंगे। समझ में आया? अभी माइग्रेशन के 2 टाइप है, इमिग्रेशन इमाइग्रेशन, समझ लीजिए। इमिग्रेशन पहला जो है वो मैं बता रहा हूं, उसकी स्पेलिंग IMMIGRATION, आई आ रहा है साइड फर्स्ट वर्ड, ठीक है। अभी इमिग्रेशन मींस अगर एब्रॉड से भारत में कोई आ रहा है तो उसको इमिग्रेशन आप बोलोगे। और दूसरा है इमाइग्रेशन, मीन्स EMMIGRATION, उसका दूसरा टाइप, यानी स्पेलिंग वही है पर आई के जगह पे इंस्टेड ऑफ आई ई लगाना है। उसका क्या होता है कि इंडिया से वो एब्रॉड जा रहा, अमेरिका हो सकता, न्यूजीलैंड हो सकता, फिलीपींस हो सकता, यूके हो सकता, यानी अगर आई वाला इमिग्रेशन है तो उसका हम आना बोलते हैं इन, और ई वाला इमिग्रेशन है स्टार्टिंग में ई, तो उसको जाना बोलते हैं। शायद आपको समझाऊंगा, मैं वैसे व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, ठीक है, क्या है उसका मीनिंग। तो इस प्रकार से ये जो माइग्रेशन होता है, इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन, मीन्स एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जाना, दूसरे पॉपुलेशन से किसी तीसरे पॉपुलेशन में जाना, इसमें क्या होगा, जीन पूल अल्टर होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जैसे कि ड्यू टू कोविड-19 लाखों जो भारत के बाहर रहने वाले लोग थे हमारे देश में आए, हमारे सरकार ने लाए वो, ठीक है ना, वंदे मातरम उनका जो स्लोगन था उसके आधार पे, तो जो भी आप हम इमेजिन करते हैं 1.5 लाख लोग आए बाहर से, मीन्स क्या हुआ उनका इमिग्रेशन हुआ हमारे देश में, तो 1.5 लाख ऐड हो गए, भले ही वो कितने देर के लिए रहेंगे आई डोंट नो, बट वो कंटिन्यू अगर रहते हैं तो इसका मतलब हमारा जीन पूल डिस्टर्ब हो गया, अल्टर हो गया, चेंज हो गया, ये मुझे आपको बताना है। मीन्स कहीं ना कहीं अगर माइग्रेशन के वजह से पॉपुलेशन का जीन पूल अल्टर हो रहा, इसका मतलब क्या, इफ ड्यू टू माइग्रेशन पॉपुलेशन का जीन पूल अगर अल्टर हो रहा तो इसका मतलब उस पॉपुलेशन में इफेक्ट होता है। समझ में आया? तो माइग्रेशन भी कहीं ना कहीं इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 3 टर्म बताया माय डियर, समझ लीजिए, पहला है मेंडेलियन पॉपुलेशन, दूसरा है जीन पूल, तीसरा है माइग्रेशन, और फोर्थ है जीन फ्रीक्वेंसी। अभी जीन फ्रीक्वेंसी यानी क्या है, व्हाट इज मीन बाय जीन फ्रीक्वेंसी, ये पढ़ लीजिए आप पहले। जैसे जीन्स आर अरेंज लिनियरली ऑन द क्रोमोजोम हैविंग डेफिनाइट पोजिशन, ये आपको पता है, क्रोमोजोम दिमाग में लाइए, मैंने आपको लिंकेज पढ़ाया था, उस क्रोमोजोम के ऊपर जीन लिनियरली अरेंज रहते हैं, ठीक है। अभी जैसे होमोलागस क्रोमोजोम है, तो होमोलागस क्रोमोजोम पे जीन्स जो है वो सिमिलर लोकस पे रहते हैं, बराबर है, तो हर एक जो एक क्रोमोजोम के जो जीन है उसका अल्टरनेटिव फॉर्म उसके सेम दूसरे होमोलागस क्रोमोजोम पे रहेगा, आइदर इन डोमिनेंट फॉर्म या रिसेसिव फॉर्म। समझ में आया? यानी एक जो है उसको हम अल्लील बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अल्लील। तो अल्लील में जो 2 जीन है वो एकमेक को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस प्रकार से जीन फ्रीक्वेंसी की हम डेफिनेशन कैसे करेंगे, द
द प्रपोर्शन ऑफ वन जीन टू द अनादर जीन इन अ जीन पूल. एका शब्दात अभी दो जीन का एक अल्लील बनता है. अल्लील मैंने आपको बताया हुआ, ये अभी आप भूले होंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा जेनेटिक्स से. अल्लील वगैरह क्या होता है, अल्लील यानी अल्टरनेटिव मार्कफॉर्म, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन प्रेजेंट इन अ सेम लोकस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम. तो उनका जो प्रपोर्शन रहता है ना अल्लील का इन अ जीन पूल इन अ गिवन लोकस, दैट इज कॉल्ड जीन फ्रीक्वेंसी. इसको हम क्या बोलते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी. तो इस प्रकार से देखिए, इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी सॉ, फर्स्ट वन, ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का रिलेशन मींस किस किस ब्रांचेस से लिया गया है. दूसरा, डॉबजांस्काई ने कौन सी बुक तैयार की, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड जेनेटिक्स, ठीक है. तीसरा, कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे इसमें, स्टेबिन का क्या रोल था, और उसके बाद मेंडेल ने जो चार टर्म बताए थे उस टर्म का रिलेशन कहीं ना कहीं थ्योरी में सामने आने वाला है. वो चार टर्म कौन थे, पहला मेंडेलियन पॉपुलेशन समझना है. मेंडेलियन पॉपुलेशन अगेन सिर्फ अभी डेफिनेशन में रिकॉल करवा रहा हूँ. मेंडेलियन पॉपुलेशन मीन्स द सम टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर एरिया विच आर क्लोजली इंटरब्रीडिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स. मीन्स एक पॉपुलेशन में जो टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज रहते हैं बट उनमें स्ट्रांगली इंटरब्रीडिंग होना चाहिए, तब उसको आप मेंडेलियन पॉपुलेशन बोलोगे, ठीक है. ये हो गया मेंडेलियन पॉपुलेशन. दूसरा है दैट इज जीन पूल. व्हाट इज मीन बाय जीन पूल, इसका सिंपल डेफिनेशन है द सम टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन दैट पॉपुलेशन. यानी पर्टिकुलर पॉपुलेशन कोई भी रहने दीजिए, किसी भी स्पेसीज को कंसिडर कर दीजिए, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है उनके जीनोम में, दैट इज कॉल्ड एज जीन पूल, ठीक है. उसके बाद है माइग्रेशन. माइग्रेशन के बारे में, व्हाट इज मीन बाय माइग्रेशन, आप लोगों को पता है, सिंपल फ्लो ऑफ स्पेसीज फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनादर. एक शब्द, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसीज फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनादर. अभी दो पॉपुलेशन आप दिमाग में डालना, उसमें जो ट्रांसफर होता है ना एकमेक की तरफ जाना, उसको आप माइग्रेशन बोलोगे. बट अभी माइग्रेशन दो प्रकार के है, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन. जानबूझ के उसका प्रोनाउंसिएशन अलग निकल रहा हूँ. इमिग्रेशन यानी आना, जो आई से स्पेलिंग चालू होती है, और इमाइग्रेशन यानी जाना पर्टिकुलर पॉपुलेशन से, जो ई से चालू होती है. ये भी अल्टर करता है और जीन पूल को, जिसके वजह से पॉपुलेशन के ऊपर अफेक्ट होता है. और नेक्स्ट एंड लास्ट जो है जीन फ्रीक्वेंसी. पहले तो आपको अलील समझना चाहिए. व्हाट इज मीन बाय अलील, अलील मींस अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन प्रेजेंट इन द सेम लोकस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एज अलील, ठीक है. अभी देखिए, इस प्रकार से बहुत सारे अलील रहेंगे, तो द प्रपोर्शन ऑफ वन जीन टू द अनादर जीन एट अ गिवन लोकस, सिंपल. यानी एक जीन का दूसरे जीन के साथ प्रपोर्शन पर्टिकुलर लोकस में, उसको हम बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी. समझ में आया. यानी जैसे एक में एग्जांपल दे दूं, टॉल है तो टॉल के दो जीन रहेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी कंसीडर करते हैं, ठीक है. तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसका जो प्रपोर्शन है ना, ये एक में के अलील हो गए ना, क्योंकि एक ही लोकस पे रहते हैं. तो कैपिटल टी का प्रपोर्शन स्मॉल टी के साथ, उसको बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी. समझ लो, म्हणजे 100 समजा अल्लील आहे, त्या 100 अल्लील पैकी कॅपिटल टी किती आहेत आणि स्मॉल टी किती आहेत, याचा जो प्रपोर्शन आपण काढतो त्याला जीन फ्रिक्वेन्सी असं म्हणतात, ठीक आहे. तो ये फोर टर्म आपको समजना है, नहीं समझे होंगे तो उसके डेफिनेशन में व्हाट्सअप पे डाल दूंगा, और कल के जैसे वीडियो भी आएगा एक बार आप रिपीट करके देख लीजिएगा. अभी देखिए, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है ये तीन एस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड है. यानी तीन कॉज ऑफ इवोल्यूशन बताया है ये पूरे थ्योरी का जो है ना, That is, जो ये किए गए है, क्या बोलते हैं उसको आप, समराइज. तो तीन aspect important है evolution के cause के लिए. पहला है genetic variation, दूसरा है natural selection, और तीसरा है isolation. अभी genetic variation कैसे होता है, natural selection कैसे होता है, और isolation, ये जो तीन cause of evolution है, we will continue in the next lecture. आई होप कि आपको ये समझा होगा, इसका वीडियो भी आ जाएगा आपके ऊपर, ठीक है, आप देख लेना हो. और अगर कुछ प्रॉब्लम है उसके डेफिनेशन भी सिंप्लीफाइड करके मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी. ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.